क्या आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड है, क्या आप शादीशुदा हो, तो याद रखना आपकी बीबी आपसे लड़ेगी और आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बात पता है कि गर्लफ्रेंड कैसे पटाए, आपको एक ही बात पता है कि शादी कैसे करें, आपको ये नहीं पता है कि गर्लफ्रेंड की जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए जो पैसे चाहिए वो कैसे कमाएं। आपकी जो वाइफ है आपके शादी होने के बाद आपके जीवन में तो आ गई है, लेकिन उसके जीवन में हर पल खुशियां कहां से दें और कैसे लाएं, वो पैसा कैसे आए वो आपको पता नहीं है, क्योंकि नॉलेज जानने के वक्त आपने गर्ल की पटाने की फॉर्मूले जाने, आप अपने गोल पे फोकस करने के समय गर्ल पे फोकस किए हो, तो आपने तो कभी ये प्लान, ये डिजायर, ये इच्छा और अपने माइंड में ये टारगेट, गोल, अचीवमेंट और पैसे के बारे में, पैसा को कैसे अट्रैक्ट करे, ये आपने सीखा ही नहीं। आपने सिर्फ ये सीखा लड़की को अट्रैक्ट कैसे करे, लड़की कैसे पटाए, अरे भैया पैसे कैसे कमाए और पैसे को कैसे अट्रैक्ट करे, पैसा कैसे अर्निंग करे, ये आपने कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि आपको तो सिर्फ जीवन में क्या चाहिए, सक्सेस नहीं, समझ रहे हैं ना क्या चाहिए, एसई, बाकी आगे आप समझ गए होंगे। वही मैं बात बोल रहा हूं कि आपको अपनी पेट पूजा, दिमाग पूजा नहीं, आपको शरीर की भूख, आपको दिमाग की भूख, नॉलेज की भूख तो कभी हुआ नहीं, तो आगे कैसे भरोगे। गर्लफ्रेंड अगर आज छोड़ के जा रही है तो उसके पीछे रीजन आप हो। आज अगर दारू पीना है ना तो बेटा पैसा चाहिए, आज अगर गांजा पीना है, भांग पीना है, जो भी पीना है, लत करना है ना, पैसा चाहिए, दोस्त सपोर्ट करेगा, जाकर दोस्त से मांगो, दोस्त सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोस्त आपकी बुराई करने के लिए है, क्योंकि दोस्त होते हैं दोस्त नहीं, मतलब क्या है, दोस्त होते हैं आजकल दोस्त नहीं, वो आपका बुरा ही चाहते हैं। आप उनसे कभी दवाई के लिए पैसा मांगो ना, एक अट्ठा नहीं देते तो बोलना, आज उनसे दारू पीने के लिए 1000 मांगो ना, दे देंगे, क्योंकि दोस्त होते ही नहीं है। आज अगर आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है ना बॉस, उसके पीछे रीजन आप हो, क्योंकि आपने अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छाओं को पूर्ति नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, और वो किया है उसकी भावनाओं और उसकी इच्छाओं और उसके प्रॉमिस को तोड़ने का काम। इसलिए आज आप अकेला हो, अलोन हो और अलोन रहोगे। अगर चाहते हो लाइफ में आगे इसी तरह से रहना तो ठीक है, लड़की पटाना और अपने टेंशन से जीवन भरा रहना, नहीं तो अगर चाहते हो कुछ बनना करना तो सबसे पहले आज से सुधार जाओ बेटा, क्योंकि आज से पेट पूजा नहीं दिमाग पूजा, खाना नहीं नॉलेज चाहिए। जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना ज्यादा अर्निंग करोगे, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे, जितना ज्यादा गोल पे फोकस करोगे उतना नजदीक सक्सेस मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।